क्लास टेंथ का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और आज हम फिजिक्स के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे किस प्रकार से हमें क्या क्या चीज़ें क्लास टेंथ में स्टडी करना है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं और उस चैप्टर में क्या क्या पार्ट्स में डिस्कशन करना है। एक छोटा सा वीडियो आज हम लेकर आए हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 में। मैं हूँ विजय और आज स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास टेंथ के सिलेबस पर अगर हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करें तो हम ये देखते हैं कि ठीक है, फिजिक्स के अगर सिलेबस पर अगर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करना प्राप्त करें तो पता चलता है कि जो फिजिक्स हमारा है वो दो पार्ट्स में क्लास टेंथ के डिवाइडेड है। पहला जो होता है वो पूरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरा जो है वो हमारा हिस्सा है लाइट का। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिस्कशन करना है, लाइट में क्या डिस्कशन करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी दो चैप्टर हमारे इंक्लूडेड हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जो पहला चैप्टर है हुज नेम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या नाम है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसमें हम मूविंग चार्ज के अबाउट स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। इसी में हम लोग जानेंगे, इसके छोटे से हिस्से के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी स्टडी करेंगे जिसमें चार्जेस रेस्ट में होते हैं। हम ये जानेंगे कि मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है और रेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, किस प्रकार के फील्ड और रीजन अपने सराउंडिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसी का दूसरा हिस्सा हमें जानना है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यदि किसी वायर से करंट जब पास होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, क्या होता है यदि किसी वायर से करंट पास होती है, ठीक है, और क्या वो किसी प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, इस चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मोस्टली हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्लास टेंथ के दो हिस्सों में डिवाइडेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इनको डिटेल करेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। अगर हम लोग क्लास टेंथ के लाइट के सेकेंड हिस्से लाइट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लाइट भी हमारा जनरली दो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। जो लाइट का पहला चैप्टर आता है वो आपका आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम इसमें रिफ्लेक्शन के अबाउट डिस्कशन करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, हम ये इन सब पर बात करेंगे, इनके कौन से रूल्स होते हैं, कौन सी डिवाइस होती है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करती है, ठीक है, और कितने टाइप के इमेजेस बनते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, यानी रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, या पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सबको हम डिस्कशन स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। बेसिकली लाइट के प्रॉपर्टी को काफी अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे, लाइट के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी थियरी होती है अब तक आई हुई है उन सब पर हम बात करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, एंड द सेकेंड चैप्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है कि लाइट अगर फ्रॉम वन टू अंदर मीडियम जाती है जैसे, तो लाइट क्यों बेंड करती है, लाइट का बेंडिंग क्यों होता है, ठीक है, इन पर हम डिस्कशन करेंगे, और कौन सी डिवाइस होती है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड होती है, ठीक है, किस टाइप से काम करता है, इसमें इमेज कितने टाइप की बनती है, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट चैप्टर में। ठीक है, और एक और आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो लाइट के सभी नेचुरल फिनोमिना को इंक्लूड किए हुए होता है, और उस चैप्टर का नाम है, ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें हम जानेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, टिंडल इफेक्ट को हम लोग देखेंगे, ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स को हम देखेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे एटमोसफेयर, बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, कौन कौन से ह्यूमन आई के पार्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इन सबको बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कोई डाउट्स नहीं रहेगा, और आपने अभी 2024 जो मार्च में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था, साइंस का पेपर हुआ था क्लास टेंथ का, उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो पूछे गए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट, रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आई से बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़ा सिंपल तरीके से पूछे गए थे, जिनको नॉर्मली कोई स्टूडेंट्स अगर अच्छे से प्रैक्टिस करे तो बड़े अच्छे गेन मार्क्स कर सकता है। ठीक है,
और इसमें जो क्वेश्चन आए थे रेजिस्टेंस वगैरह के आए थे, कुछ रेजिस्टिविटी वगैरह के क्वेश्चन बेस्ड थे सेट वन सेट टू सेट थ्री में, तो आप उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा मेन टॉपिक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पर। तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, किस टाइप को हम इसको डिफाइन करेंगे, इनके पार्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम किस टाइप के चार्ज को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर में हम किस टाइप के चार्ज को स्टडी करते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज कौन सी फील्ड जनरेट करेगा, या किस तरीके से वेव की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, या जो अगर हम सिंपल बात करें जब कोई चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो कौन सी फील्ड जनरेट करेगा, या जब कोई चार्ज अगर हम उसको रेस्ट में रख देते हैं तो रेस्ट चार्ज कौन सी फील्ड जनरेट करता है, इन सबको हम डिस्कशन करेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। और इसका जो दूसरा हिस्सा जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, इसमें आपको मैं बताऊंगा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, बड़ा बेसिक सा है, सिंपल सा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग लॉरेंज फोर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे, नॉर्मल भी देखेंगे, और क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इज इट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज आर नॉट। सो हम इस पर देखेंगे, इस पर बेस्ड डिवाइसेज लाइक मोटर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्लॉक फेस रूल क्या होता है, दोनों को हम स्टडी करेंगे, और हम ये देखेंगे राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, हम कैसे करंट का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को या मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके करंट की डायरेक्शन को काउंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा इसी में लास्ट में स्टडी करेंगे EMI, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करेंगे, जो कि फैराडे ने दिया था क्या होता है और किस टाइप से इसमें करंट इंड्यूस्ड होती है या EMF इंड्यूस्ड होता है, हम इनको देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें आपको दो चीज़ें और बताएंगे जो कि आपको समझ में आएगा, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, और एक थोड़ा डिटेल करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। इन सब चीज़ों को आपको छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, और तमाम तरह के न्यूमेरिकल्स चाहे कॉम्पिटेटिव बेस्ड हो या बोर्ड के साइड से हो आपको बिल्कुल मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।